गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेसन के द्वारा रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी दोनों बुकें खत्म हो चुकी हैं। एक हिसाब से हमारा पूरा पूरा सिलेबस ही कवर हो चुका है। अब इस वीडियो लेक्चर में, ये वो वीडियो लेक्चर है जो फर्स्ट बुक के साथ में हमने स्टार्ट किया था, जब इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन इसका वीडियो लेक्चर नहीं बना था, केवल वर्कशीट आपको भेजी गई थी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पहला चैप्टर था वो किस बात पे डिपेंड था, क्योंकि चैप्टर जो है पहला वो किसका है, इंडियन इकोनॉमी जो बुक है हमारी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दो बुक्स हैं, तो इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को फ्रीडम मिली उस पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, किस तरह की इकोनॉमी हमारे पास ब्रिटिशर छोड़ के गए थे, और वो इकोनॉमी हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए किस तरह से उसको लेकर के आए थे। तो आज हम ये चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से इकोनॉमी हमारे सामने ब्रिटिशर्स छोड़ कर गए। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं, इन पॉइंट्स से हमें ये पता चल जाएगा इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। तो सबसे पहली आपको यहाँ पर बुक में दिखाई, इसमें शीट में दिखाई दे रहा होगा कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये इनका पहला करेक्टर था जो स्लो ग्रोथ इकोनॉमी होती है। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ऐसी इकोनॉमी जो ग्रो ही नहीं करती, अपनी उसी पोजीशन पे हमेशा खड़ी रहती है, और इतना लेस ग्रोथ होती कि हमें समझ में भी नहीं आता। दूसरी इकोनॉमी का करेक्टर क्या था, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। इट इज करेक्टराइज बाई द प्री डोमिनेंस ऑफ द फार्मिंग एज द सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। तो ये प्री डोमिनेंस था, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी थी उनमें सबसे बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में इसको हम लोग ट्रीट करते थे, और ये सबसे पीछे इकोनॉमी थी क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट बहुत ही कम था। इट इज आल्सो द डेवलपिंग इकोनॉमी, इट इज मोर लाइक अ बैकवर्ड इकोनॉमी इन द टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पॉवर्टी, बट एट द सेम टाइम इट इज दिस इकोनॉमी चेंज इन द एविडेंट इन टर्म ऑफ द राइजिंग लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इन द टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एज द सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसी तरफ घूम रहे थे, इकोनॉमी उस मूवमेंट में पहुंच गए थे जहां से धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ था, और यहां से एग्रीकल्चर सेक्टर से इसका ट्रांसफॉर्मेशन किसकी तरफ जा रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जा रहा था। इंडस्ट्रीज भी हमारी कंट्री में धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, और इंडस्ट्री भी हमारी सोर्स ऑफ लिवलीहुड बनता हुआ चला जा रहा था। वाइब्रेंट इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक चेंजेस हो रहे थे, इमर्जिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, चांसेज ऑफ इनकम इंक्रीज होते चले जा रहे थे। तो ये सारी चीजों के कारण हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो गई थी, ग्रोथ होना शुरू हो गया था, और ये सारे कैरेक्टर्स इस बात को रिप्रेजेंट करते थे कि इकोनॉमी हमारी अब धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रही थी। उसी में इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो हमारी इकोनॉमी फ्रीडम के पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी, आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि इंडिया को जब फ्रीडम मिली थी मोर देन 70% पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे, हमारा जीडीपी भी ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जैसी सिचुएशन होगी, एक्चुअल में इकोनॉमी की भी उसी तरह की सिचुएशन रही होगी। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के एग्रीकल्चर था। तो एक सबसे बड़ा यानी एग्रीकल्चर के इसमें आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे कि आप इंडिपेंडेंस में क्या था, फोर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक थे इसके, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, इकोनॉमी की रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक पहला था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो हमारा एग्रीकल्चर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था क्योंकि प्रोडक्शन का जो रेट था वो बहुत ही कम था, पर हेक्टेयर जो आउटपुट आता था लैंड से वो बहुत ही एक्सट्रीमली लो था, बहुत ही कम था, जो कि अदर कंट्री के कंपेरिजन में 3-4 times कम था। हाई डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी थी, एग्रीकल्चर जो शो कर रहा था वो हाई डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी जो थी हमारी एग्रीकल्चर की वो ज़्यादातर रेनफॉल में थी, और रेनफॉल होने के कारण उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कैसी रहती है, अनएक्सपेक्टेड रहती है कि इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कम होगा, ये पूरा रेनफॉल पे डिपेंड रहता है। ऐसे वेडेज बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉयल एंड टिलर ऑफ द सॉयल, ये हमारी कंट्री में जो सॉयल था एक्चुअल में वो किसी अदर पर्सन की होती थी, और जो रियल में एग्रीकल्चर कर रहे होते थे, जो टिलर्स होते थे वो अदर होते थे।
इसलिए इन दोनों के बीच में जो सही कोलैबोरेशन ना होने के कारण प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करते थे, कास्ट को हैम्पर करते थे, पर आउटपुट जो कास्ट है वो आपस में शेयरिंग में होता था और इसके कारण भी कास्ट बढ़ जाती थी। फिर अन इकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी। इंडियन जो फार्म लैंड हुआ करते थे वो फ्रेगमेंटेड थे, स्केयर्ड थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। मोस्ट लैंड होल्डिंग जो थी वो अन इकोनॉमिक यील्ड यानी यील्ड लो सरप्लस के साथ में हमें देखने को मिलती थी। ये बड़ी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे यहाँ की बहुत अच्छी नहीं थी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स थे हमारी कंट्री में जो बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट सिचुएशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की, तो उसके रीजन बहुत थे। एक सबसे मेजर रीजन क्या हुआ था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडियन जो इन्वेंट की थी यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू बाय सेटिंग अप द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड जमींदार। तो हमारी कंट्री में क्या किया था, पूरे कंट्री को जमींदारी सिस्टम में डिवाइड कर दिया था। ये जमींदार क्या करते थे, फार्मर से कलेक्शन करते थे टैक्स का, फिर गवर्नमेंट को पहुंचाते थे। इसके लिए वो कलेक्शन का रेट जो होता था वो बहुत ज्यादा रहता था और इसका लॉस हमारी पीपल्स को बियर करना पड़ता था। फिर फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था कि फार्मर जो थे वो फोर्स होते थे कि शिफ्ट करें कमर्शियल एग्रीकल्चर। एक्चुअली हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर थी वो कैसी एग्रीकल्चर थी कि ज्यादातर हम लोग सेरेल्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कमर्शलाइजेशन कर दिया। अब मेनली इंडिगो पे ज्यादा फोकस करते थे क्योंकि ये एक ऐसा वो था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता था। तो वीट और राइस का प्रोडक्शन न करके इंडिगो की तरफ मूव करा दिए थे। इंडिगो जो था ये क्या कर रहा था, पीपल्स को ना तो उसके सही प्राइस मिलते थे, उसको लोकल मार्केट में सेल भी नहीं किया जा सकता था और इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस फार्मर्स को होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उस समय सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। इन टर्म ऑफ दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, टू थिंग्स पे ये था, एक डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और दूसरा था ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि बहुत सारे हमने इसमें ऑब्जर्वेशन देखे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टम जो था वो सिस्टमेटिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी जिससे वो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा था, खत्म होता चला जा रहा था, जबकि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड फेमस थी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड होती थी। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट क्या था, द ब्रिटिश नीडेड रॉ मटेरियल फॉर देयर एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज मार्केट फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट, सो द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वाज परस्यूड। इट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, बट वेन वी परचेजेस गुड्स फ्रॉम इंडियन वीवर्स ब्रिटिशर्स इम्पोजेस हैवी टैक्सेज ऑन दीज। ये क्या करता था कि हम इंडियन गुड्स की कॉस्ट ज्यादा हो जाती थी, जब इंडिया से रॉ मटेरियल जब ब्रिटेन जाता था तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, इसलिए हम मार्केट में ब्रिटिश के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे और इकोनॉमिक कंडीशन वीवर्स की फार्मर्स की खराब होती चली जा रही थी। ऐसे डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट, ब्रिटिश पीरियड के पहले हमारी कंट्री में नवाब थे, राजा थे, प्रिंसेस थे, इम्परर्स थे, ये रूल करते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और यही सभी सभी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था या अदर इंटरनेशनल रेपुटेशन थे इनके बीच में यही कोर्ट डिसीजंस लिया करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे आए, इन्होंने इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया और खुद के कोर्ट इन्होंने फॉर्म कर दिया जो कभी भी इंडियंस के फेवर में कोई भी डिसीजंस नहीं देते थे। कॉम्पिटिशन जो हो रहा था मशीन मेड गुड्स से होने लगा, ब्रिटिशर्स जो थे वो मशीन मेड गुड्स लेकर के हमारी कंट्री में आते थे और इसको स्टिप कॉम्पिटिशन देते थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से, जो कि मशीन मेड गुड्स चीप भी होता था, क्वालिटीफुल भी होता था और उसके साथ साथ में उसकी क्या कर पाता था, फाइन क्वालिटी होने के कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उससे कम्पीट नहीं कर पाती थी और ये भी हमारे उसमें निगेटिव जा रहा था। फिर इसके बाद न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आ गई थी कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया विच वॉज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। और ये जो लाइफ स्टाइल थी ये डिमांड किसकी कर रही थी, ब्रिटिशर्स गुड्स की डिमांड ज्यादा करने लगी, इंडियन गुड्स की डिमांड इससे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। इंट्रोडक्शन साहब रेलवे था, अब क्या हो रहा था, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट किया, उससे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से रॉ मटेरियल को गुड्स को ले जा सकते थे,
एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इससे भी लॉस हो रहा था लगातार। इंडियन जो व्यूवर्स थे वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। टू फोल्ड सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, इसके टू फोल्ड मोटिव थे। पहला मोटिव था टू एक्सप्लॉइट इंडियन वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक कॉटन है, जूट है। सेकेंड इसका था टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज द पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटेन। ये टू बेस से इन्होंने डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद आपको ये सिक्स क्वेश्चन करने हैं असाइनमेंट के रूप में। व्हाट इज मीन बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिफाइन टर्शियरी सेक्टर, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज व्हिच वर इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस।